हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप किसी पीडीएफ फाइल को आप एडिटेबल बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपके पास ऑफिस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और वो भी 2013। इससे कम होगा तो 10 होगा तो आपके पास वो नहीं चलेगा। तो मिनिमम आपके पास 13 होना चाहिए, इससे ऊपर है तो और अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, और मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ड की फाइल खोल रहा हूँ, ब्लैंक फाइल। इसमें आप कैसे पीडीएफ फाइल को एडिटेबल बना सकते हैं, तो ये देखिए, ये मैंने फ़ाइल खोली है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास कुछ टेस्ट फाइल है, एक इंग्लिश की फाइल है, एक हिंदी फाइल है। ये मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ एडिटेबल में, जैसे आप इसको फाइल को एडिट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल को। ये देखिए फ्रेंड, ये पीडीएफ फाइल है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें आप कुछ चेंज करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। एक ये फाइल देखिए इंग्लिश की, ये फाइल भी ऐसी ही है, इसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पीडीएफ फाइल है। और इसको भी आप देखिए, ये फाइल हिंदी की है और इसमें भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं कैसे करते हैं, मैं इसमें आपको बताता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये आपके सामने वर्ड फाइल खोली है, ब्लैंक फाइल। इसमें क्या करना है आपको, फाइल में जाएंगे आप, ओपन में जाइए, और यहाँ पर आप कंप्यूटर में जाके ब्राउज़ में जाने के बाद देखिए, यहाँ पर कुछ फाइल शो कर रहा है जो मैंने आपको दिखाई थी, जैसे इंग्लिश की फाइल है। मैं इसमें क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये बोलेगा, वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर पीडीएफ टू एन एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसमें आप ओके करिए। अब जैसे आप ओके करेंगे तो ये वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप इसमें आसानी से कुछ भी टाइप कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको आपको कर दिखाता हूँ, ये मेरा सेंटेंस है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। इससे आप कुछ एडिट करना है तो जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको दोबारा सेव करता हूँ, फाइल सेव एज ब्राउज, और इसको पीडीएफ में करके मैं इसका नाम चेंज करके इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी आसानी से आपके पीडीएफ में भी बन गई, और आप पीडीएफ में आपने इसको एडिट भी कर दिया है। तो मैं इसको आपको इस फाइल को बंद करता हूँ और आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने फ़ाइल बंद किया, ये जो मैंने इंग्लिश एडिट करके बनाई थी, ये वाली ओरिजिनल फाइल थी, ये वाली मैंने एडिट की है। तो देखिए, ये अभी मैंने जो फॉन्ट को बोल्ड किया था और बड़ा किया था, तो ये इसमें बड़ा हो गया है, और जो चेंज किया था वो भी चेंज हो गया है। तो अब ये आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि दोबारा मैंने ये पीडीएफ बना दी है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं दूसरी फाइल भी दिखा देता हूँ, टेस्ट पेज। जैसे मैं ये मैंने एक फाइल है मेरे पास, इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने अपनी ब्लैंक दोबारा ओपन की है, और इसमें ओपन करके मैं कंप्यूटर में जाता हूँ और ब्राउज में जाके फिर मैं टेस्ट फाइल में लेता हूँ और ओके करता हूँ। और दोबारा, वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर पीडीएफ टू एन एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट। इसमें क्लिक करिए आप, जैसे क्लिक करेंगे तो इसको भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, और इसको आप यहाँ से जाके सेव कर भी सकते हैं। पीडीएफ में सेव करना चाह रहा हूँ मैं, जैसे तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए, जो मैंने अभी चेंज किया है, इसमें भी चेंज हो गया है। अब मैं आपको एक हिंदी की फाइल में आपको चेंज करके दिखाऊंगा कैसे हिंदी फाइल में भी ये काम करता है। तो देखिए, मेरे पास ये हिंदी फाइल है, ये मैं ओपन करता हूँ फाइल, ओपन में जाता हूँ फिर से, माय कंप्यूटर ब्राउज ऑप्शन, ब्राउज में जाके जो हिंदी की फाइल थी मैं इसे ओपन करता हूँ। फिर ये पूछेगा, वर्ड विल नॉट कन्वर्ट योर पीडीएफ टू एन एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके करिए इसमें। तो देखिए, ये आपकी फाइल एडिट फिर हो गई है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसमें इस लाइन को हटाता हूँ तो ये हट जाएगी। देखिए, अगर मैं यहाँ कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। अब जैसे ये इंग्लिश में टाइप हो रहा है और आपको हिंदी में करना है, तो अगर आपके पास हिंदी फॉन्ट आपके कंप्यूटर में डले हैं, नहीं डले तो आप डाल दीजिए, और तब आप यहाँ से इसमें क्लिक करिए, यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन चूज़ करिए, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें आसानी से चेंज लिख के आप इसको सेव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है। और मैं इसको दोबारा और बोल्ड करना है तो आप इसे बोल्ड करके दोबारा से इसको सेव करके इसको आप सेव कर दीजिए। तो
जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये देखिए जो मैंने भी चेंज किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये चेंज हो गया है। तो फ्रेंड जैसे आप बहुत आसानी से आप इसमें हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं एडिटेबल बना के, और आपका अगर आपको आपको पता नहीं है कैसे आप हिंदी में इसमें टाइप करेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि हिंदी फॉन्ट कैसे डालें, तो वो भी आप इसमें देख के ऐसे आप हिंदी फॉन्ट डाल के चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।